अब जल्दी हमें ब्लैक विडो की सोलो मूवी में टास्क मास्टर दिखने वाला है, सो ये परफेक्ट टाइमिंग है कि ये सुपर विलन है कौन और इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है और इसके पावर्स क्या है, क्यों ये मार्वल कॉमिक का वन ऑफ द बेस्ट विलन में से एक है। सो गाइज आज हम इसी कैरेक्टर के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है जब एवेंजर्स को शहर में बने एक असाइलम के बारे में पता चलता है। उन्हें लगता है कि इस असाइलम में कुछ तो गड़बड़ है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है असाइलम तो सिर्फ बाहर वालों के लिए दिखावा था, असल में यहाँ पे विलन्स की ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें अलग अलग फाइटिंग स्किल सिखाई जा रही है पर हीरोज की वीकनेस बताई जा रही है। इसी के बाद एवेंजर उन सारे गुंडों को ठिकाने लगा देते हैं और तब उनका सामना होता है सुपर विलन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मास्टरमाइंड टास्क मास्टर से। आप टास्क मास्टर को विलन्स का प्रोफेसर एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि भाई ये भी तो स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। उसके एंट्री के साथ ही एवेंजर को एहसास हो जाता है कि ये कोई आम विलन नहीं है और सारे एवेंजर्स को टास्क मास्टर अकेले ही हरा देता है। बेसिकली टास्क मास्टर का यही पावर है कि वो दूसरों की फाइटिंग टेक्निक को एक्जैक्टली कॉपी कर सकता है, वो भी कुछ देर देखने के बाद। अपने इसी पावर्स का फायदा उठाते हुए उसने सुपर हीरो से फाइटिंग करने के लिए विलन्स की ट्रेनिंग एकेडमी खोली जहाँ वो उन सुपर हीरोज की फाइटिंग टेक्निक उन विलन्स को सिखाता है जिससे कि वो और खतरनाक हो जाएं। भले ही वो उन सुपर हीरोज की सुपर पावर्स को कॉपी नहीं कर सकता लेकिन फाइटिंग टेक्निक को ही फॉलो करके उसने बड़े बड़े सुपर हीरोज को धूल चटाई है और उस दिन भी वो एवेंजर्स के हमले में लगभग सबको ही हरा चुका था। लेकिन यहीं पे चोकास्टर नाम की एक सुपर हीरोज की एंट्री हो जाती है क्योंकि उसने उसकी फाइटिंग टेक्निक कभी नहीं देखी इसीलिए वो वहाँ पे हार जाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टास्क मास्टर के पावर्स का राज क्या है, उसे ऐसे पावर्स मिले कैसे। इसके लिए हमें उसके बचपन की स्टोरी को जाननी पड़ेगी। टास्क मास्टर का रियल नाम था टोनी मास्टर और वो एक स्पेशल कंडीशन के साथ जन्म लिया था। उसके पास थे फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस यानी कि वो किसी भी मूवमेंट को देख के सीख लेता था, वो भी मिनट्स में। 8 साल की एज में उसने इस एबिलिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। टीवी में काउबॉय का शो देखकर वो उसे परफेक्टली कॉपी कर पाता था। उसने स्विमिंग और ड्राइविंग एक बार देखकर ही सीखी थी। उसे इसी अनोखे पावर के चलते उसे शील्ड में आगे जाकर काम करने को मिला। जी हाँ वो शील्ड के लिए भी काम कर चुका है और ये वो दौर था जब सुपर सोल्जर सीरम बनाने के बाद नाजी आर्मी अपने वर्जन का सुपर सोल्जर सीरम बना रही थी। हमने ये स्टोरी लाइन MCU की मूवी में पहले ही देख रखा है जहाँ पे विंटर सोल्जर को यह सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है। इसी दौरान टोनी मास्टर को शील्ड की तरफ से एक मिशन में ऐसे ही लैब में भेजा गया जहाँ पर इनलीगली सीरम बनाया जा रहा था। उसका टास्क था सारी नाजी आर्मी को मारना और सारे साइंटिस्ट को पकड़ना और लैब के सारे इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देना। इस हमले में सारे लोग मारे जाते हैं, आखिरी में एक घायल साइंटिस्ट बचता है जिसको गोली लग चुकी होती है लेकिन वो टोनी को बताता है कि सुपर सोल्जर सीरम है कहाँ। जिसके बाद टोनी मास्टर उस सीरम को अपने हाथों में ले लेता है। वो सोचता है अगर वो इस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर ले तो वो शील्ड का सबसे बेस्ट एजेंट बन जाएगा और उसके पावर्स और इन्हेंस हो जाएं। यही सोचते हुए वो इस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और ऐसा ही होता है। सीरम को इंजेक्ट करते ही उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस और भी इन्हेंस हो जाते हैं, साथ ही कुछ और पावर्स भी आती हैं और इसी के साथ आता है साइड इफेक्ट जिसमें उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। बेसिकली वो गजनी बन जाता है और इस नई कंडीशन में वो दूसरों को देख के जितनी टेक्निक सीखता है उतना ही वो अपने पास्ट को भूलने लगता है। एक तरीके से उसकी नई मेमोरी उसकी पास्ट की मेमोरी को ओवरराइड करने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने वाइफ को भी भूलने लगता है जो उसी के साथ शील्ड में काम कर रही थी। टोनी के इस नई कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी वाइफ उसका एक नया नाम देती है, वहीं पर जन्म होता है टास्क मास्टर का, जहाँ पर टास्क मास्टर अपने नए डिस्गाइज में विलन से मिलता है और उनकी इन्फॉर्मेशन अपनी वाइफ को देता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन सील तक पहुंच जाती है। लेकिन इसी कंडीशन की वजह से वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पूरी तरह भूल जाता है, साथ ही सील्ड की पूरी हिस्ट्री भी उसे याद नहीं रहती, उसने कभी सील्ड में काम भी किया है या नहीं। उसे बस याद रहता है विलन से मिलना
और यहीं पे वो डिसाइड करता है कि वो उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा उसी एकेडमी की जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। खैर एवेंजर को हराने के बाद वो रुकता नहीं, वो एक मशीनरी की तरह अपनी लाइफ को जीने लगता है जहाँ पर लोग उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए हायर करते हैं और आगे जाकर स्टोरी लाइन में वो बड़े बड़े सुपर हीरोज को बराबरी की टक्कर देता है। सो गाइज ये थी टास्कमास्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। हमें कमेंट में ये बताओ कि क्या आप लोग टास्कमास्टर को ब्लैक विडो की सोलो मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। हो सकता है कॉमिक की तरह मूवी में भी हमें टास्कमास्टर शील्ड से कनेक्टेड दिखाया जाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.